हेलो एवरीवन, आज है 2 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनबीसीसी इंडिया के बारे में। देखिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी है और सरकारी कंपनी है। अगेन आपको बता दें कि सरकारी कंपनी है ये एनबीसीसी, और काफी बड़ा नाम इनका जरूर है और शेयर 20 रुपए से भी कम प्राइस के ऊपर अवेलेबल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एनबीसीसी के शेयर में खरीदारी करने का ये सही मौका है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 20 रुपए से भी कम प्राइस के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले 1 महीने में एनबीसीसी में 21% का ग्रोथ है। अब देखिए, 16 रुपए तक का लो था, बढ़िया बाउंस बैक किया शेयर ने, 24 रुपए तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आई, 19 रुपए तक पहुंचा, फिर थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 1 साल में एनबीसीसी का जो शेयर है उसमें 65% तक की गिरावट हमें देखने को मिली है। 64 रुपये से शेयर गिरता हुआ नीचे आया और कोरोना के चलते एक बहुत बड़ी हमें गिरावट देखने को मिली। शेयर 15 रुपए तक भी टूट गया था। अभी भी सिर्फ उतना बड़ा बाउंस बैक नहीं किया है, लेकिन 19 रुपए तक जरूर पहुंचा है। पिछले 3 साल में एनबीसीसी में 80% की गिरावट है, 140 रुपए तक का हाई है। आप देखिए, गिरावट आई, हल्का सा बाउंस बैक हुआ, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट, फिर बाउंस बैक, और कोरोना के चलते एक बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर जरूर आई है। और स्मॉल कैप स्टॉक है, 3,636 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 72 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 64.95% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 5.41% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 4.53% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.02% की होल्डिंग है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है, 24 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया, 84 एफआईएस यहां पर इन्वेस्टेड है, और जैसे कि मैंने कहा कि सरकारी कंपनी है तो यहां पर प्रमोटर कौन है, हाईएस्ट होल्डिंग के साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनके पास 64.95% की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिक होल्डर यहाँ पर एलआईसी है, जिनके पास 6.55% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.96% के आसपास देखने को मिल रही है। डिविडेंड भी पे कर रहे, भले छोटा शेयर है लेकिन डिविडेंड पे कर रहा है, 65% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब 65 पैसा पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पर मिल रहा है। एनबीसीसी के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी इसकी नहीं है। पीई 19.41 का है, इंडस्ट्री पी 14.39 का है, बुक वैल्यू 8.69 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.28 है, ईपीएस 1.02 है, और डिलीवरी 54 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 60% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जबकि 40% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं। एनबीसीसी के बारे में अगर हम देखें तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कर्जा 1 रुपए का भी नहीं है, 1 रुपए का भी इनके ऊपर कर्जा नहीं है, और ये वाकई में काफी अच्छी बात है एनबीसीसी को लेकर। सेप्टेम्बर क्वार्टर की बात करें तो भैया लॉस था, तकरीबन 29 करोड़ के आसपास का लॉस था यहाँ पर, लेकिन दिसंबर में 35 करोड़ का मुनाफा किया है कंपनी ने, अच्छी बात है। जून में 25 करोड़ का मुनाफा है, मार्च में 150 करोड़ का मुनाफा है, और दिसंबर में 75 करोड़ का मुनाफा देखने को मिल रहा है। तो बढ़िया परफॉर्मेंस एनबीसीसी ने यहाँ पर जरूर दिखाया है। ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि देखिए, एनबीसीसी की बात करें तो सरकारी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, और जेपी के जो मतलब जेपी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एनबीसीसी को आने वाले दिनों में मिलने वाले हैं, और इसको लेकर भी काफी ज्यादा बातचीत चल रही है। एनबीसीसी के बाद प्रोजेक्ट काफी ज्यादा है, फरवरी महीने में ही उनको तकरीबन 130 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट्स इनको मिले हैं। हाल फिलहाल में ये है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में ये है कि प्रोजेक्ट्स जो है वो उनके डीले हो रहे हैं, लॉकडाउन के चलते काम नहीं हो रहा है। देखिए, उनकी जो सारी की सारी साइट्स है वो बंद है, काम नहीं हो रहा है, तो उसके चलते जरूर एक गिरावट है। इवन जो डेडलाइन इनकी होती है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की, तो वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है आने वाले दिनों में। तो गिरावट यहाँ पर जरूर है, और हालांकि अब लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, और एनबीसीसी की अगर हम बात करें तो जो बड़ी सिटीज है वहां पे इनका कामकाज काफी ज्यादा रहता है, और वो सारी बड़ी सिटीज अभी रेड जोन में है, तो वहां पर काम काज कब शुरू होगा वो भी अभी कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि एनबीसीसी में अभी अगर आपने खरीदा है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सिचुएशन अगर नॉर्मल हो जाएगी तो शेयर में तेजी हमें जरूर देखने को मिल जाएगी। तो आप खरीदा है तो आप होल्ड कर सकते हैं, अगर आपने नहीं खरीदा है तो आप चाहे तो एक छोटी क्वांटिटी यहाँ पर लगा सकते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ छोटी क्वांटिटी इसलिए कि शेयर का बॉटम अभी भी नहीं बना है, हो सकता है कि शेयर थोड़ी और नीचे भी गिर जाए, तो
तो इसलिए अगर आप छोटी क्वांटिटी खरीदेंगे तो क्या होगा कि आप थोड़ी और क्वांटिटी इसमें एवरेज भी कर सकते हैं अगर गिरावट आती है तो मैं यही कहूंगा कि छोटी क्वांटिटी चाहे तो खरीदिए, और हालांकि रिस्की बहुत है तो अगर अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है तो इसमें एक छोटी क्वांटिटी आप लगा के छोड़ सकते हो, और कुछ वक्त में जरूर जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी, लॉकडाउन खुल जाएगा, काम काज वापस से शुरू हो जाएगा, तो जरूर आपको एक छोटी सी तेजी यहाँ पर जरूर देखने को मिल जाएगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।